धातुओं से आप परिचित हैं और उनके कुछ सामान्य भौतिक गुणों के बारे में भी आप जानते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए आज हम तनु अणु के साथ कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करेंगे। इस प्रयोग के द्वारा हम तनु अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना करेंगे। अधिकांश धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण बनाती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती है, परंतु इनकी अभिक्रिया करने की दर भिन्न हो सकती है। इस प्रयोग को करने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है 5 धातुएं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एवं कॉपर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल 1 ड्रॉपर, 5 परख नलियाँ, परख नली स्टैंड, रेगमा का टुकड़ा। हमने परख नली स्टैंड पर 5 परख नलियाँ रखी हुई हैं, जिन पर ए, बी, सी, डी और ई के लेबल लगे हुए हैं। साथ ही प्रत्येक लेबल पर उस धातु का नाम भी लिखा है जिसे उसमें डाला जाएगा। अब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के 2-2 ml हर परख नली में डालते हैं। हमने सभी परख नलियों में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया है। अब हम सभी परख नलियों में धातुओं को डालने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि धातु की सतह अच्छी तरीके से रगड़कर रेगमार्क से साफ कर लें, ताकि उस पर कोई भी ऑक्साइड की परत ना जमी हो। हम सबसे पहले मैग्नीशियम का टुकड़ा लेते हैं और मैग्नीशियम धातु की सतह को रेगमार्क से अच्छी तरीके से रगड़कर साफ करते हैं। साफ मैग्नीशियम धातु के टुकड़े को हम परख नली ए में डालते हैं। परख नली ए जिसमें मैग्नीशियम है, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलनी बहुत तीव्र गति से शुरू हो गई है। अब हम परख नली बी में जिंक का टुकड़ा डालते हैं और आप देख रहे हैं कि परख नली बी में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। उसके बुलबुले की तीव्रता परख नली ए की तीव्रता से कम है। परख नली सी में एल्युमिनियम धातु डालते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं एल्युमिनियम धातु के डालने पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया बहुत ही मंद गति से हो रही है। परख नली डी में आयरन धातु का टुकड़ा डालते हैं और परख नली ई में कॉपर टर्निंग का टुकड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं परख नली ए में मैग्नीशियम धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। परख नली ई जिसमें कॉपर धातु है, कोई अभिक्रिया नहीं होती। परख नली ए जिसमें मैग्नीशियम धातु है, उसमें तीव्र अभिक्रिया होती है। परख नली बी जिसमें एल्युमिनियम धातु है, मैग्नीशियम से कम तीव्र अभिक्रिया होती है। परख नली सी जिसमें जिंक धातु है, एल्युमिनियम से कम तीव्र अभिक्रिया होती है। परख नली डी जिसमें आयरन धातु है, जिंक से कम मंद अभिक्रिया होती है।
और परख नली ई जिसमें एक कॉपर धातु है कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। दी गई धातुओं में से मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील। इनके बीच घटते क्रम में एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है। इस प्रयोग के प्रेक्षणों को हम सारणी में इस प्रकार दिखा सकते हैं। ए मैग्नीशियम तीव्र अभिक्रिया, बी एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम तीव्र अभिक्रिया, सी जिंक एल्युमिनियम से कम तीव्र अभिक्रिया, डी आयरन जिंक से कम तीव्र अभिक्रिया, ई कॉपर कोई अभिक्रिया नहीं।